नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पटना से कोलकाता और बागडोगरा के लिए नई उड़ानों को किया गया शुरू। बिहार के 7 शहरों में कल से होगी जेईई मेंस 2021 के तीसरे चरण की परीक्षा। आज के जनता दरबार में भी मुख्यमंत्री के सामने आया शिकायतों का पिटारा। पेट्रोल डीजल के बड़े दामों के खिलाफ आज दूसरे दिन भी राजद का प्रदर्शन है जारी। पंचायत चुनाव में हथियार लाइसेंस दिखाकर भी कर सकेंगे वोट। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। पटना एम्स में तीसरे फेज में पहुंचा बच्चों का वैक्सीनेशन ट्रायल। अब जल्द ही बच्चों को भी कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन लगाए जा सकते हैं। पटना एम्स में बच्चों की कोरोना वैक्सीन का 2 ट्रायल पूरा हो रहा है और अब तीसरे फेज की ट्रायल होगी। पटना एम्स में जिन बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगी थी उन्हें अब सेकेंड डोज लगाया जा रहा है। जुलाई लास्ट तक ट्रायल से जुड़े सभी बच्चों को दूसरी डोज लगाए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद 56 दिन और 118 दिन पूरा होने पर इस बात की जांच की जाएगी कि वैक्सीन से शरीर में एंटीबॉडी बनी है या फिर नहीं। अगर जांच में पर्याप्त एंटीबॉडी पाई गई और बच्चों में कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा तो जल्द ही बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बताते चले कि ट्रायल में जो वैक्सीन लग रही है वो कोवैक्सीन की है। इसका ट्रायल पटना एम्स समेत देश के कई सेंटरों पर चल रहा है। बिहार के 7 शहरों में कल से होगी जेईई मेंस 2021 के तीसरे चरण की परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जेईई मेंस के तीसरे चरण की परीक्षा कल मंगलवार यानी कि 20 जुलाई से शुरू हो रही है। इसके लिए बिहार के 7 शहरों में भी सेंटर को बनाया गया है। इनमें पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आरा और दरभंगा में परीक्षा के केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों को केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। समय पर नहीं पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। बता दें कि परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड के साथ ही एक आईडी लेकर जाना है। साथ ही परीक्षार्थियों के लिए घड़ी, ज्वेलरी या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को लेकर नहीं जाना है, ना ही गॉगल्स या फिर मोटे सोल वाले जूते चप्पल पहनना है। बताते चले कि जेईई मेंस के तीसरे चरण की परीक्षा 20, 22, 25 और 27 जुलाई को कुल 334 शहरों में आयोजित होगी। तीसरे चरण में कुल 7,09,519 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा सुबह 9 से 12:30 बजे और 3:30 से 6 बजे दो पाली में सीबीटी मोड में आयोजित होनी है। दिसंबर तक 6 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लेगी सरकार। सूबे में टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने की उम्मीद बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों पहले ही बिहार स्वास्थ्य विभाग ने 6 महीने में 6 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य रखा था, जो कि उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ा है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है, जबकि वर्तमान में वैक्सीन की खेप पर्याप्त मात्रा में नहीं है। वहीं अगस्त सितंबर तक वैक्सीन की कमी खत्म हो जाने की उम्मीद है, जिसके बाद टीकाकरण का काम रफ्तार के साथ चलेगा। बताते चले कि बिहार में टीकाकरण का महाअभियान 1 जुलाई से शुरू हुआ था। इस दौरान महज 18 दिनों में 6,000 से अधिक केंद्रों पर 48 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इस बाबत स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि हर महीने 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य हर हाल में हासिल किया जाएगा। आरजेडी सुप्रीमो ने महंगाई कम करने के लिए शेयर किया स्लोगन वाला नुस्खा। देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी राजद ने मुहिम की शुरुआत कर दी है। बीते दिन बिहार के कई क्षेत्रों में लालू के सिपाहियों ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी महंगाई को कम करने के लिए स्लोगन वाला नुस्खा शेयर किया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा कि महंगाई कम करने का नुस्खा दे रहा हूं, एनडीए हटाओ महंगाई घटाओ। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई ने गरीब लोगों की कमर को तोड़ कर रख दिया है, लेकिन सत्ताधारी दलों को इसकी कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत आग में घी डालने का काम कर रही है। दूसरी तरफ जदयू इसे महज दिखावा करार दे रही है। पटना से कोलकाता और बागडोगरा के लिए नई उड़ानों को किया गया शुरू। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए हवाई कंपनियों ने कम से कम विमान संचालन का फैसला किया था। वहीं कोरोना संक्रमण के दर में कमी आने के बाद एक बार फिर से विमानों की संख्या भी बढ़ने लगी है। साथ ही हवाई कंपनियां अब नई फ्लाइटों की संख्या को भी बढ़ा रही है। स्पाइसजेट की 2 नई फ्लाइटें पटना से शुरू हो रही है, जिसमें से आज पटना और कोलकाता के बीच एक जोड़ी नई उड़ान को शुरू किया गया है, जबकि कल मंगलवार को पटना और बागडोगरा के बीच एक जोड़ी फ्लाइट शुरुआत होगी। वहीं पटना कोलकाता की फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उपलब्ध होगी, जबकि पटना बागडोगरा के बीच सप्ताह में 4 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को उपलब्ध हो सकेगी। इसके अलावा जल्द ही पटना से दिल्ली होते हुए अजमेर, कांडला और श्रीनगर के लिए स्पाइस जेट की कनेक्टिंग फ्लाइट भी शुरू होने वाली है। वहीं पटना से बेंगलुरु होते हुए मंगलुरु के लिए भी एक कनेक्टिंग फ्लाइट शुरू होने वाली है।
आईआईटी पटना के छात्रों को कोरोना काल में भी जमकर मिला प्लेसमेंट। कोरोना महामारी और लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों के बीच भी पटना आईआईटी के छात्रों को बम्पर प्लेसमेंट मिला है। साथ ही कैंपस सिलेक्शन के मामले में भी अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पटना आईआईटी के कैंपस प्लेसमेंट सेल के प्रभारी ने बताया कि इस साल करीब 50 से ज्यादा नई कंपनियों ने सिलेक्शन प्रोसेस में भाग लिया, जो कि नया रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर संस्थान के 140 बीटेक और 36 एमटेक छात्रों को मल्टीनेशनल कंपनियों से नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं। कुल 187 स्टूडेंट्स को 235 ऑफर्स मिले हैं, उनमें से कुछ को 54.57 लाख रुपए सालाना तक के पैकेज की पेशकश भी की गई है। वहीं बीटेक उम्मीदवारों का औसत वेतन पिछले साल 14.17 लाख रुपए प्रति वर्ष से बढ़कर 2020-21 में 16.17 लाख रुपए हो गया और एमटेक छात्रों का औसत वेतन 12.22 लाख रुपए रहा है। गया जिले में 4 करोड़ से ज्यादा का अवैध बालू हुआ जब्त। बिहार में अवैध खनन को रोकने के लिए तमाम कानून और सख्तियों के बावजूद भी बालू माफियाओं के हौसले बुलंद है। ताजा मामला गया जिले से आया है, जहां प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4.23 करोड़ रुपए के बालू को जब्त किया है। यह खनन फल्गु नदी से किया जा रहा था, जहां बीते रात बेलागंज थाना क्षेत्र के फल्गु नदी के पास अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की। इस दौरान काफी संख्या में बालू के अवैध भंडारण पाए गए, जिसके बाद 52 लोगों के खिलाफ एफआईआर को दर्ज किया गया। साथ ही 1,20,212 सीएफटी अवैध बालू जब्त हुए, जिसकी बाजार में कीमत 4,23,22,420 रुपए आंकी गई है। इस मामले में सभी पकड़े गए अवैध कारोबारियों पर करीब 51 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आज के जनता दरबार में भी मुख्यमंत्री के सामने आया शिकायतों का पिटारा। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार रिटर्न्स में आज फिर से लोग अपनी अपनी फरियादों को लेकर पहुंचे, जहां कई विभागों से जुड़ी शिकायतों का मुख्यमंत्री ने सुना और निपटारा किया। पिछली बार बिहार सरकार की कई योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर उन्होंने अधिकारियों पर सख्ती दिखाई थी। वहीं आज एक बार फिर उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर लोग पहुंचे थे। आज के कार्यक्रम में ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना में भारी गड़बड़ी का उजागर लोगों ने किया। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि नल जल योजना का काम आधा अधूरा है, केवल नाम के लिए टंकी लगा दी गई है जिसमें पानी नहीं आता है। वही शिकायत करने पर अधिकारी सुनते भी नहीं है। ऐसी कई शिकायतें आई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत इस मामले में पंचायती राज विभाग को संज्ञान लेने को कहा, साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके अलावा पीएम आवास योजना और उद्योग विभाग से मिलने वाली अनुदान राशि मुहैया नहीं होने की भी शिकायत की गई थी। पंचायत चुनाव में हथियार लाइसेंस दिखाकर भी कर सकेंगे वोट। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस दौरान चुनाव आयोग नए नए निर्देश भी जारी कर रहा है। एक नए आदेश के तहत अब बिना वोटर आईडी कार्ड के भी मतदान किया जा सकेगा। दरअसल चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत अब मतदाता अपने हथियार का लाइसेंस और जमीन के कागजात को भी दिखाकर वोट कर सकते हैं। इस फैसले से पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने अब पंचायत चुनाव में कुल 16 दस्तावेजों को मंजूरी दी है, जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि के अलावे हथियारों के लाइसेंस और जमीन के कागजात को भी दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया है। जबकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सिर्फ 14 दस्तावेजों को ही मतदान के लिए मंजूरी दी गई थी। बिना रजिस्ट्रेशन कराए कई महिलाएं पहुंच गई जनता के दरबार कार्यक्रम में। जनता दरबार 2.0 की पॉपुलैरिटी खासा बढ़ी है, खासकर महिलाएं बड़ी संख्या में अपनी शिकायतों को लेकर आगे आई। आज के जनता दरबार में भी जानकारी के अभाव में कई महिलाएं बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी पहुंच गई, जिससे उन्हें काफी परेशानियां हुई। हालांकि आपको बता दें कि जनता दरबार में उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया है, साथ ही वैक्सीनेटेड और कोरोना टेस्ट होने के बाद ही मुख्यमंत्री के समक्ष बुलाया जाता है। ऐसे में आप जाने से पहले JKDMM मोबाइल ऐप से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसमें आधार और मोबाइल नंबर डालना होगा, जिसके बाद आपको शामिल होने की तारीख मैसेज के जरिए पता चल जाएगी। इसके अलावा अपने प्रखंड के BDO, SDO या फिर DM कार्यालय जाकर भी अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। अगला कार्यक्रम अगले सोमवार को आयोजित होगा। नीरज कुमार ने लालू यादव पर लगाए गंभीर आरोप। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने RJD सुप्रीमो लालू यादव पर बयान देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लालू यादव के जेल जाने के पीछे का कारण उनके जमींदार प्रवृत्ति का होने को बताया है। प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता व विधान पार्षद नीरज कुमार ने बीते दिन रविवार को कहा कि लालू प्रसाद ने अपने शासनकाल में सत्ता के तिक्रम से गरीबों की भूमि को हथिया लिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जमींदारी को खत्म कर दिया गया था, लेकिन सत्ता पाते ही लालू प्रसाद ने खुद को जमींदारी प्रवृत्ति का शिकार बना लिया और गरीबों की जमीन को हड़पने का काम किया, जिसका परिणाम से उनके स्वजन भी दर्जनों मामलों के आरोपी बन बैठे हैं। वहीं उन्होंने दूसरी तरफ कहा कि नीतीश सरकार अपने पूरे सत्ताकाल में शुरू से ही गरीबों और भूमिहीनों को जमीन देकर सम्मान देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले घर बनाने के लिए प्रत्येक परिवार को 3 डिसिमल जमीन देने की घोषणा हुई थी, जिसे बढ़ाकर अब 5 डिसिमल कर दिया गया है।
पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ आज दूसरे दिन भी राजद का प्रदर्शन है जारी। महंगाई के मुद्दे पर विपक्षी दल राजद का आज दूसरे दिन का आंदोलन जारी है। पहले दिन प्रखंड मुख्यालयों के बाद आज सभी जिला मुख्यालयों में राजद समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फेसबुक लाइव के जरिए सभी को एकजुट होकर महंगाई के खिलाफ आगे आने की भी अपील की। वहीं प्रदर्शन के दौरान राजधानी पटना में राजद समर्थक घोड़ा गाड़ी पर बैठकर जुलूस निकाल रहे थे, तो वहीं कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने बैलगाड़ी पर बैठकर और ठेलों के ऊपर बाइक रखकर अपनी नाराजगी जताई है। कहीं कहीं लोग सिर पर खाली गैस सिलेंडर भी रखकर विरोध जता रहे थे। इस दौरान एक स्वर में सभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने की मांग कर रहे थे। राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं को दिया टास्क। बिहार में कांग्रेस की पैठ को मजबूत करने में कांग्रेस के आलाकमान जुटे हुए हैं। इस दौरान कांग्रेस पार्टी अगले महीने से अभियान शुरू कर रही है। इसके लिए राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं को टास्क दिया है, जिसके तहत बिहार कांग्रेस के बड़े नेता अगले महीने से गांव में घूम घूम कर प्रत्येक ग्रामीण के दरवाजे पर दस्तक देंगे और उनकी समस्या को जानकर उन्हें पार्टी की नीतियों, भविष्य के कार्यक्रम की जानकारी देकर कांग्रेस के नजदीक लाने का काम करेंगे। टास्क को पूरा करने की कवायद में अब बिहार कांग्रेस पार्टी जुट गई है। इस बारे में बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने बताया कि पार्टी ने गांव, पंचायत व प्रखंड स्तर पर संगठन को विस्तार देने, लोगों को कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराने और उन्हें वापस कांग्रेस की ओर लाने की रणनीति बनाई है। इससे पहले 25 जुलाई से ग्रामीण क्षेत्र में जाने की योजना थी, लेकिन मानसून सत्र को देखते हुए अगस्त महीने से यह अभियान शुरू होगा। पृथ्वी शॉ की तूफानी पारी पर सहवाग का ट्वीट हो रहा वायरल। भारत और श्रीलंका के बीच पहले वनडे में युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने विस्फोटक बल्लेबाजी की, जिसने जीत की पृष्ठभूमि को तैयार कर दी। उनके बल्लेबाजी की हर तरफ तारीफ हो रही है। वहीं पृथ्वी ने 9 चौके जड़ते हुए 24 गेंदों में 43 रनों की तूफानी पारी खेली। वहीं अब टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग ने पृथ्वी शॉ की बल्लेबाजी पर मजे लेते हुए ट्वीट किया, जो कि काफी वायरल हो रहा है। वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर पर अपनी ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर की एक फोटो को शेयर किया और लिखा कि पहले 5.3 ओवर में हमारा जलवा रहा। बता दें कि भारत के कोच रवि शास्त्री कह चुके हैं कि पृथ्वी शॉ में सहवाग, सचिन और लारा की झलक दिखती है। देश भर में कोरोना के 38,160 नए मरीजों की हुई पुष्टि। देश भर में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 38,160 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 499 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान कुल 38,660 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4,21,665 हो गई है। तो वहीं बात अगर बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान 81 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 109 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 724 हो गई है। वहीं रिकवरी दर 98.57% हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपके क्षेत्र में नल जल योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।